नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको खीरे का रायता बनाना सिखाऊंगी। ये दही है, ये ताज़ी दही है, मैंने रात में जमाई थी। और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हाथ से कर लो या आप ग्राइंडर से, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर लीजिए। ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब सबसे पहले इसमें हम रायता बनाने के लिए खीरे डालेंगे। ये खीरे मैंने कद्दूकस कर लिए थे, आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर लें, लेकिन बिल्कुल बारीक हो। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नॉर्मल नमक जो हम खाते हैं घर में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको ताज़ी दही से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये रायता हमारा रेडी है। आप इसको खाने के साथ या ऐसे ही बिगर ऐसे ही पीना चाहे तो ऐसे भी पी सकते हैं। और ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और रायता वो खीरे भी गर्मियों में अच्छे मिलते हैं, एकदम ताज़ी तो अच्छा बनता है। और घर में अगर कुछ भी ना हो रायता बनाने के लिए, खीरे हो तो आप एकदम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में, मुश्किल से 5-10 मिनट लगती है और फटाफट बन जाता है और अच्छा लगता। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रूट रायता बनाना सिखाती हूँ, जो शादियों में बनता है जिस तरह का, उस तरह का मैं आपको बनाना बताती हूँ। हमने एक अनार लिया, उतने ही जितने अनार है उतने ही हमने ग्रेप्स लिए हैं, एक चम्मच शुगर जो क्रश की हुई है, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा खीरा लिया है, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, काला नमक और भुना हुआ जीरा, और एक कटोरी हमने दही ली है। आप जितना ज़्यादा बनाएं उसी हिसाब से सामग्री ले। आइए अब हम दही को फेंट लेते हैं। दही को अच्छे से फेंट ले, दही में लम्स ना हो। ये तकरीबन एक कटोरी दही है। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से सामग्री ले, और जितनी आपने दही डाली हो सामग्री कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा फ्रूट अच्छे हो तो ज़्यादा डालें, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो तो ना डालें। अब इसमें हम शुगर डालेंगे। शुगर से थोड़ा सा खट्टा मीठा, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको अच्छी ना लगती हो तो ना डालें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डालना ही है। अब इसमें ग्रेप्स डाल देंगे, सॉरी अनार डाल देंगे, ग्रेप्स जिस शेप में आपको पसंद हो उस शेप में काटें। इसमें अनानास का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास अनानास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाले। उसकी जगह मैंने थोड़े से खीरे काट के डाल दिए, खीरे भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, हरी मिर्च की जगह आप ब्लैक जो पेपर्स होते हैं, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती हैं वो भी डाल सकते हो आप, अगर आपको अच्छी लगती हो तो। ना लगती हो तो आप लाल मिर्च भी डाल दें, जो भी आपको पसंद हो। और थोड़ा सा नॉर्मल नमक जो आप घर में यूज़ करते हैं वो, और इन सबको को
अच्छे से मिक्स करते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको दही जो है वो ताजी लेनी है, जिससे हमारा रायता खट्टा ना हो। और इसमें अनार तो आप हमेशा ही डालें अगर हो सके तो, क्योंकि अनार का टेस्ट एकदम हटके अलग सा आता है इसमें। और ये हमारा रायता तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये हमारी फाइनल प्लेटिंग हो गई है, हमारा रायता तैयार हो गया है। आप इसको किसी के भी साथ खाएं।